मैम आपका बिल। एक बात बताओ वेटर, कि इतना ज्यादा बिल कैसे बन रहा है? इतना तो हमने कुछ ऑर्डर भी नहीं करा जितने का बिल आया है। ज्यादा तेज चल रहा है मैम, आपके क्लाइंट इतने सारे आए थे और आपकी मीटिंग भी बहुत लंबी चली और उसके अकॉर्डिंग ये बिल बिल्कुल सही है। हमने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया। देख ऐसा है, हम अमीर लोग हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ चेक नहीं करते। और तुम कुछ भी लगा कर दे दोगे और हम पे कर देंगे, समझ आई? 2% का वेटर है, वेटर बन के रहे, ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैम मुझे पता है मैं वेटर हूँ और हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, और मैम जितना बिल आया है आपको वो पे करना ही पड़ेगा। मैम एक बार मैं चेक करता हूँ बिल। मैम बिल्कुल ठीक बिल तो है, जो हमने ऑर्डर किया था उसी के अकॉर्डिंग बिल बनाया इन्होंने। विनय तुम अपने औकात में रहो, तुम मेरी कंपनी में सिर्फ एक सेल्स मैनेजर हो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। मेरे मैटर में आगे से बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम में और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। तुम्हें मैं सिर्फ अच्छा पे कर रही हूँ, इससे तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा है, समझ में आई? और तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? ये लो पकड़ो एंड कीप द चेंज। ओए मैकेनिक बाहर निकल। हाँ जी मैडम बोलिए। ये क्या बिल बनाया तुमने? मैडम बिल्कुल सही तो है बिल। मैं तुम मैकेनिक लोगों को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम चोर होते हो, चोर एक नंबर के, जानबूझकर सही पार्ट को गलत बताकर कस्टमर से पैसे लूटते हो। पर मैं सबकी तरह नहीं हूँ जो चुपचाप तुम्हें तुम जितने पैसे मांगोगे दे दूंगी। मेरी बात सिर्फ 7,000 की हुई थी, 7,000 ही दूंगी, कोई 11,000 नहीं देने वाली। हाँ जी मैडम आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी बात 7,000 में हुई थी, लेकिन जब मैं गाड़ी की सर्विस कर रहा था तो उसमें गियर बॉक्स भी खराब था, तो मैंने आपके डैडी को कॉल कर लिया। आपके डैडी ने कहा कि गियर बॉक्स ठीक कर दो, तो मैंने ठीक कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, 11,000 का ही बिल है। ये चलाकी ना किसी और को दिखाना, पापा तो ना एकदम सीधे हैं तुम्हारी बातों में जो आ गए और हाँ कर दी चेंज करने के लिए, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। और सुन अब मुझे गुस्सा मत दिला, वरना अभी पुलिस को बुला के ना तेरी दुकान बंद करा दूंगी और तेरे जेल करा दूंगी। ये रहे तेरे पैसे 7,000 रुपए, रखने तो रख, और ये रहा तेरा बिल। ये तो नुकसान हो गया, मैडम की गाड़ी में तो 9,000 के पार्ट्स डले थे और ऊपर से मैडम आपको सुना के और चली गई। क्या करें यार, जब किस्मत में ही नुकसान लिखा होता है तो कुछ कर भी नहीं सकते। तू एक काम कर और गाड़ियाँ ठीक कर, और कस्टमर्स की गाड़ियाँ भी टाइम पे देनी है। ठीक है भैया। अभिषेक सर मैं एक मिनट। जी सर। अभिषेक एक काम करो, तुम कल से मत आना और जो तुम्हारा हिसाब है सब तुम्हारा अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन क्यों सर, आप अचानक से ऐसे मुझे जॉब से कैसे निकाल रहे हो? देखो तुम्हारी बहुत कंप्लेंट आ रही है और मैं तुम्हें और ज्यादा एंटरटेन नहीं कर सकता। कंप्लेंट? बट सर मेरी कंप्लेंट किसने की? मैं तो सभी कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ। वो देख रहे हो मैडम, उनकी कंप्लेन आई है तेरे लिए। अब तेरे पीछे मैं अपने रेगुलर कस्टमर को खराब तो नहीं कर सकता ना भाई, और मैडम की साफ साफ कंप्लेन है अगर तू यहाँ जॉब करेगा तो वो यहाँ नहीं आएगी, और मैं तेरे लिए अपने होटल का नुकसान नहीं झेल सकता। और भाई देख तू बुरा मत मानियो, अपनी ड्रेस को काउंटर पे सबमिट करा और कल से मत आइयो, ठीक है? गॉड क्या हो गया इसको, ये चल क्यों नहीं रही है? अभी तो ठीक कराई थी, इस मैकेनिक को ना मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ। क्या करूँ, एग्जाम के लिए भी लेट हो रहा है, कैब बुक करूँ लेट हो जाएगा, लिफ्ट ले लेती हूँ किसी से।
यस हाय सॉरी मैंने आपको इस तरह से रोका. एक्चुअली मेरे ना एग्जाम और मैं बहुत लेट हो रही हूँ. मेरी कार खराब हो गई है और अगर मैं अभी कैब बुक करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा. आप मुझे प्लीज मेरे कॉलेज तक ड्रॉप कर सकते हैं? यहीं पे सामने ही है. इट्स ओके, आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ. थैंक यू सो मच. यार केसर, आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गई. बस किसी तरह टीचर एग्जाम में बैठने दे वरना पूरा साल खराब हो जाएगा. लगता है बहुत ज्यादा जल्दी है इसे तो, तभी तो अपने हैंकी तक भूल गई. देख शेखर, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता. भाई दे दूंगा ना यार तेरे पैसे. तेरे पैसे कहीं भागे तो ना जा रहे हैं? देखो तो पता ही है, लॉकडाउन की वजह से सारा काम धंधा ठप पड़ गया है और लॉकडाउन में ना मेरी जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी की सारी खत्म हो गई है. लॉकडाउन का असर तो ये है कि आज भी कोई ग्राहक आने को राजी नहीं है दुकान पे. जैसे तैसे गैराज चला रहा हूँ. तो भाई मेरे को बस थोड़ा सा टाइम और दे दे, मैं तेरे सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा. क्या थोड़ा और टाइम दे दूँ? तेरे बाप के पैसे हैं क्या जो मैं तुझे टाइम पे टाइम देता जाऊँ? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे आज और अभी चाहिए. बैंक तमीज से बात कर, बाप पे मत जा, समझ गया ना? बाप पे जाऊंगा, अभी तो सिर्फ बाप पे ही जा रहा हूँ. शुक्र मना, थप्पड़ नहीं मारा, मारूंगा और तुझे. मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा तो तुम मुझे मारेगा? जान से मार दूंगा. जान नहीं देता तेरे पैसे. पैसे दे साले, मैं नहीं दूंगा ना, मैं नहीं दूंगा तेरे पैसे. मैं तेरे पैसे मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तेरे पैसे. हां नहीं दूंगा. तू इससे लड़ के रहा है? इसने मेरे पैसे नहीं दिए. मैंने देखो तो पता ही है लॉकडाउन की वजह से सारा काम धंधा ठप पड़ा है. इसे बोल रहा हूँ ले लो थोड़े टाइम बाद पैसे, लेकिन इसके तो समझ में नहीं आती है. कितने रुपए देने हैं तेरे? 25,000 रुपए लेने हैं. ये मेरा कार्ड पकड़, शाम को आकर मुझसे मिल लियो, तेरे पैसे सारे मिल जाएंगे तुझे. ठीक है, पैसे तू दे या ये कंगला दे, मुझे तो पैसे से मतलब है. तमीज से, समझ रहे ना? तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, बोल दिया ना, अब जाए यहाँ से. ठीक है. अरे यार विनय, तूने भी खा ली तकलीफ ली, मैं लौटा देता ना इसको इसके पैसे. अरे छोड़ यार, तू उसको देगा मुझे दे दे, बात तो एक ही हो जाएगी ना. यार विनय, तू सच में बहुत अच्छा इंसान है. मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि तू मेरा दोस्त है. अरे छोड़ यार ये बातें, चला अंदर बैठते हैं, चाय वाय पियेंगे. क्या बात है शेखर, आजकल तू बहुत परेशान नजर आ रहा है. क्या बताऊं भाई, लॉकडाउन ने तो बिल्कुल कमर ही तोड़ दिया. जब से लॉकडाउन खुला है सारा काम धंधा ठप हो गया है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कुछ टाइम बाद गैराज बंद ही करना पड़ेगा. इसी बात की टेंशन है भाई. मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ भाई, ये सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ ही आजकल ऐसे ही कुछ हो रहा है यार. लेकिन तू टेंशन मत ले, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा. चल ठीक है भाई, वही मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ तुझसे. चल ठीक है, अपना ध्यान रखियो भाई. तू भी भाई. आप यहाँ पे कैसे? अरे एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था यहाँ पर. हाँ आप यहाँ कैसे? मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी यहाँ से. ग्लैड हम मिला. एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू बोलना था उस दिन के लिए. मैं बहुत जल्दबाजी में थी पर मैं निकल गई थी. आप सोच रहे होंगे कितनी रूड है, थैंक यू भी नहीं बोला और चली गई. बट आपकी वजह से मैं एग्जाम पे ऑन टाइम पहुँच गई थी. थैंक यू सो मच. अरे इट्स ओके, मैं समझता हूँ. उस दिन तुम कुछ ज्यादा जल्दी में थी इसलिए अपना हैंकी तक मेरी गाड़ी में भूल गई थी. ओह, आपके कार में छूट गया था, मैं वही सोच रही थी कहाँ चला गया. वैसे एक सलाह दूं, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती. अगर गलती से अपना एडमिट कार्ड भूल जाती ना तो एग्जाम भी ना दे पाती तुम. हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा अपना माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए, चीजें बहुत मेस्ड अप हो जाती हैं. बाय द वे मेरा नाम केसर है, आपका नाम? विनय. ओह विनय, ओके. इफ यू डोंट माइंड हम अपने नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं? या श्योर, राइट डाउन माय नंबर 987333. ओके चलिए जल्दी मिलते हैं. हाँ हाँ श्योर, मिलते हैं. बाय, टेक केयर. बात है हीरो, बड़ा खुश लग रहा है.
अरे कुछ नहीं यार, एक लड़की को लिफ्ट दी थी, एग्जाम के लिए लेट हो रही थी, बस वही मिल के गई अभी, इसलिए खुश हो रहा था। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है यार, लेकिन अब हम लेट हो जाएंगे, जल्दी गाड़ी निकाल, चलते हैं। हाँ चल बैठ, चल रहे हैं। क्या हो भाई, तुम रो क्यों रहे हो? सर, आपकी जो मैडम है ना, उन्होंने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। मेरे मैनेजर से कहा कि मैं उनसे बदतमीजी करता हूँ, उनके कस्टमर से बदतमीजी करता हूँ, और मेरे मैनेजर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं सर क्या करूँ, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। क्या बताऊँ भाई, वो है ही ऐसी। तेरे पास कुछ पैसे हैं? नहीं सर, अभी मेरी सैलरी भी नहीं दी मेरे मैनेजर ने। तुमने बहुत गलत किया तेरे साथ, तो एक काम करिए, कुछ पैसे रख, ठीक है ना? बट सर, अरे रख ले यार, तेरा कुछ दिन का खर्चा तो निकलेगा, अपना ध्यान रख। ये किसका कॉल है? हेलो। हेलो, हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार, लेकिन सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। कौन कौन? सीरियसली, तुमने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया? भूल गए इतनी जल्दी? तुम्हें उस दिन मैं मिली थी, तुमने मुझे लिफ्ट दी थी, मैं अपने एग्जाम के लिए लेट हो रही थी। ओ, केसर तुम? हाँ मैं केसर। अरे यार, मैंने तुम्हारा नंबर लिया नहीं तो मेरे मोबाइल में सेव कैसे होगा? एटीट्यूड बॉय, लड़कियों का नंबर नहीं लेता। अरे यार, मेरी टांग मत खींचो, अब ये बताओ तुम मिल कब रही हो? अब की ना तुमने गुड बॉय वाली बात, इसी के लिए तो फोन किया था। अगर शाम को फ्री हो तो मिले। चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओ हेलो मिस्टर मैकेनिक, कहाँ जा रहे हो? जरूर पापा के पास जा रहे होगे ना पैसे लेने? सच में तुम जैसा बेशरम इंसान ना मैंने कभी नहीं देखा, एक नंबर के चोर हो तुम। ओ हेलो मैडम, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने, उस दिन भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा था। मैं यहाँ पर आपके पापा से मिलने नहीं आया हूँ, किसी और क्लाइंट से मिलने आया हूँ, और वैसे भी ना नहीं चाहिए आपकी फेरी की खैरात। आई बड़ी चोर हो तुम। हाय हाय, क्या हुआ, तुम्हारा मूड अपसेट लग रहा है? यार था एक दो टके का मैकेनिक, उसने मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया। चलो ठीक है, वो चला गया ना, अब तुम एक काम करो, गाड़ी के अंदर बैठो, तुम्हारा मूड मैं ठीक करता हूं। अब आपको अपनी कंपनी मुबारक।
से मैंने डिसाइड कर लिया। उस खड़ूस के नीचे मैं और ज्यादा जॉब नहीं कर सकता यार। मैं खुद की कंपनी स्टार्ट करूंगा अब। विनय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत टैलेंटेड भी हो। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है ना, तो तुम अपने डिसीजन पर रहो और आगे बढ़ो। ट्रस्ट मी, तुम बहुत आगे जाओगे। और पॉजिटिव रहो, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तेरा साथ है केसर, बहुत हिम्मत मिलती है इससे। हमेशा साथ। अच्छा, मैं अभी आती हूँ वॉशरूम से, तुम कॉफ़ी पियो। ठीक है। अरे हाय शेखर, तू यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं यार, तेरी भाभी के साथ आया था थोड़ा टाइम स्पेंड करने। वाह बेटे वाह, भाभी भी ढूंढ ली और बताया भी नहीं। सही है गुरु, सही है। अरे मेरी टांग मत खींच, ये बता तू यहाँ कैसे आया? अरे कुछ नहीं यार, जो यहाँ का ऑनर है मेरा क्लाइंट है, उसकी गाड़ी सर्विस पे आई हुई थी। अब गाड़ी ठीक हो गई है तो मैंने सोचा कि उसकी कीज उसे हैंड ओवर कर देता हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं चलता हूँ, तू एंजॉय कर। अबे रुक ना, तेरी भाभी आ रही होगी, उससे मिलके जाइयो। और बता क्या लेगा, चाय या कॉफी? अरे यार कुछ नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। विनय, ये है क्या तेरी गर्लफ्रेंड? अरे हाँ यही तो है केसर, तेरी होने वाली भाभी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इस चोर को भी कैसे भूल सकता है? ये मैकेनिक नहीं, चोर है, चोर। अगर इससे कोई अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने जाता है ना, ये चार काम एक्स्ट्रा करता है ताकि फालतू पैसे बना सके। मेरा बस चले ना, इसको जेल करवा दूं, उसका गैराज बंद करा दूं, चोर कहीं का। तुम इसको कैसे जानते हो विनय? यार केसर, ये मेरा बचपन का दोस्त है यार। ओ गॉड, तुम इतने घटिया लोगों को अपना दोस्त बनाते हो। Can't believe this. देखो विनय, या तो तुम मुझे चूज करो या इस चोर को। तुम्हारी लाइफ में या मैं रहूंगी या ये, तुम डिसाइड कर लेना। यार केसर, तूने कितनी आसानी से कह दिया ना कि तुम दोनों में से किसी एक को चुन लूं। तू एक बात बता यार मुझे, मैं तेरे को कितने टाइम पहले से जानता हूं? अभी कुछ दिन पहले से ना, लेकिन इसे मैं बचपन से जानता हूँ यार। मेरे हर सुख दुख के अंदर इसने मेरा साथ दिया है, तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता यार। हाँ और एक बात ये भी सच है कि मैं तुझे सच्चा प्यार करता हूँ, तुझे भी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन क्या करूँ यार, तूने शर्त ही ऐसी रख दी है कि मुझे ना चाह के भी तुझे छोड़ना पड़ेगा। तू बस अपना ध्यान रखियो यार, अपना ध्यान रखियो। चल शेखर। यार ये तो सच में चला गया, तू भी पागल है केसर, कुछ भी बोल देती है। अब सोच, इतना प्यार करने वाला लड़का कहाँ मिलेगा दोबारा? खुद ही सोच, जब ये अपने दोस्त के लिए इतना लॉयल है तो तेरे लिए कितना ज्यादा रहेगा, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला। अरे तू हमेशा से तो ऐसा लड़का चाहती थी, अब देख क्या रही है, रोक उसे पागल। विनय। हाँ बोलो केसर। सॉरी यार विनय, मुझे तुम्हारे दोस्त और अपने बीच में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, माफ कर दो प्लीज। इट्स ओके केसर, शायद तुमको माफी मेरे से नहीं शेखर से मांगनी चाहिए, बहुत उल्टा सीधा बोल दिया तुमने इसे आज। सॉरी शेखर। इट्स ओके केसर, शायद गलती मेरी भी है, मुझे तुम्हें डायरेक्ट कॉल करना चाहिए था, तुम्हारे पापा को नहीं। मुझे माफ कर दो केसर। वाह केसर, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अब मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही लड़की चुनी है। आई लव यू यार। आई लव यू टू। चलो यार बात को खत्म करते हैं, आके कुछ खाते हैं यार, बहुत तेज भूख लग रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।